अस्सलामु अलैकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोशी ब्यूटी एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरे पास है फेस वॉश, जो कि गार्नियर का स्किन नेचुरल फेस वॉश है। तो गार्नियर का जो ब्रांड है इससे कौन वाकिफ नहीं है, हर कोई जानता है इस ब्रांड के बारे में। और गार्नियर के जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी अच्छी हैं, और मैं पहले भी गार्नियर के जो है क्लिनजिंग वाटर के ऊपर रिव्यू कर चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनकी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो सारी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट हैं इनकी। जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं आज तक उनके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो गार्नियर का फेस वॉश है ये प्योर एक्टिव मैच है डीप क्लीन फेस वॉश है, जो कि डर्ट और ऑयल कंट्रोल फॉर्मिंग फेस वॉश है। और इनकी बहुत बड़ी रेंज है गार्नियर के फेस वॉशेज़ की, तो हर स्किन टाइप के लिए इनके पास फेस वॉश जो है वो अवेलेबल है। तो आप लोग अपनी स्किन के हिसाब से जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा फेस वॉश जो है वो ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो। ऑयली स्किन के लिए और भी बहुत सारे फेस वॉश इनके पास हैं, लेकिन सबसे मेन बात होती है कि उन फेस वॉशेज में इंग्रेडिएंट्स कौन से शामिल हैं। तो हमेशा जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन के लिए लेते हैं, चूज़ करते हैं, तो हमेशा इंग्रेडिएंट्स को देखकर उसको चूज़ किया करें। अब जैसे कि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं हमेशा वो प्रोडक्ट चूज़ करती हूँ जो जिसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट हैं। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है जिनकी ऑयली स्किन है। और अब जैसे कि समर्स जो हैं वो आ चुके हैं और अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इस फेस वॉश के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मैचा टी है, ये एक प्लांट होता है जो ग्रीन टी का। तो वेट लॉस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये हमारी डर्ट को जो है अच्छे से क्लीन करती है और हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और उसके अलावा इसमें सैलिसिलिक एसिड जो है मौजूद है। अब एंटीऑक्सीडेंट है ये मैचा टी, और इसके अलावा सैलिसिलिक जो एसिड है वो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है, बहुत अच्छा है। और ये हमारे जो है जो ऑयल को अच्छी तरह से कंट्रोल करता है और एक्नी को भी कंट्रोल करता है। तो हमेशा जिनकी ऑयल एक्नी प्रोन स्किन है तो वो सैलिसिलिक एसिड जिसमें मौजूद हो वो प्रोडक्ट लाजमी चूज़ किया करें। इस फेस वॉश का जो है सबसे मेन जो बेनिफिट है वो ये है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इस वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छी है एक्नी प्रोन स्किन के लिए, काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग ये फेस वॉश यूज़ करते हैं तो इस फेस वॉश से जो है आपकी स्किन जो है बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाती है और अच्छी तरह से जो है ये ऑयल को कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब हम इस फेस वॉश को अप्लाई करते हैं तो स्किन बाद में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि स्किन सॉफ्ट हो जाती है और अच्छे से ऑयल भी कंट्रोल करती है और बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर पीछे आप लोगों को दिखाऊं तो इनकी सारी डायरेक्शन भी इन्होंने बताई हुई है कि किस तरह इसको यूज़ करना है। उसके अलावा इसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पर आप लोगों को मेंशन है, सारे दिखाई दे रहे होंगे। और ये 100 ml की जो है ट्यूब है, और इसका अगर टेक्सचर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ग्रीन कलर के फेस वॉश है, और बिल्कुल जितना मैंने यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिखाई है इतना ही लेना पड़ता है फेस वॉश, और ये काफ़ी अच्छे से झाग बना देता है। और इसमें जैसे कि ग्रीन टी है, मैचा टी, और ये जो सैलिसिलिक एसिड के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बेनिफिशियल हैं। और सबसे मेन बात कि ये अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है, वरना जो जिन प्रोडक्ट्स में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी जो हैं कॉस्टली होती हैं, और इनके जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। ये फेस वॉश आपको लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, 300 की या 350 की रेंज में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने ये फेस वॉश यूज़ किया है, पहले कर चुके हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके रिजल्ट ज़रूर बताएगा कि आपको ये कैसा लगता है। और अगर किसी ने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।